हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स इन दिस सीरीज। ये एक सीरीज है नंबर का और इसमें हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस सीरीज़ के अंदर इन सभी नंबर के बीच क्या रिलेशन है उसको पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है 10 और नेक्स्ट नंबर है 19। तो 10 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20, लेकिन यहाँ है 19, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 19। नेक्स्ट टर्म है 19 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 38, लेकिन यहाँ 40 है, तो 38 में 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 40। उसी तरह 40 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 80, और 80 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 77, जो कि नेक्स्ट टर्म है। अब 77 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से तो आएगा 154, और 154 में 4 ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 158। अब 158 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 316, और इसमें से अगर हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 311। तो इस तरह से x का वैल्यू हो जाएगा 311। और फिर 311 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 622, और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 628, जो कि y का वैल्यू होगा, y इज इक्वल टू 628। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और कितने कम समय में हम लोगों ने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आसानी से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।